हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारा डायटोमिक लेटिस। तो डायटोमिक में लेटिस में क्या होगा, जैसे हमने मोनोटोमिक किया था लास्ट लेक्चर में, मोनोटोमिक में जो एटम्स थे वो सेम रख रहे थे हम। इसका अगर मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका भी मास m1 होगा, इसका भी मास m1 होगा, वो स्प्रिंग के साथ अटैच थे। बट अब इस केस में क्या होगा, अब हमारे पास अगर मैं डायटोमिक की बात कर रही हूँ तो अब टू एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे M1 है, इसको मैंने कैपिटल मान लिया, ठीक है, इसको स्मॉल m, इसको कैपिटल m, ऐसे ही फिर स्मॉल m, फिर कैपिटल m। तो जब भी हम क्रिस्टल बनाते हैं, अब यहाँ पे हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया था इनको, तभी लैटिस वाइब्रेशंस होंगी। अब देखो, जब भी हम क्रिस्टल बनाते हैं हमारे पास एक यूनिट सेल होना चाहिए। अगर मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करूं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए एक सेल में। अगर मैं मोनोटॉमिक की बात कर रही हूं तो उसमें सिर्फ एक ही एटम से, अगर मैं एक एटम को रिपीट करती जाऊं तो मेरा पूरा क्रिस्टल बन सकता है मोनोटॉमिक का। तो उसमें क्या है, एक एटम है पर प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो मोनोटॉमिक वन एटम बेसिस है। बट अगर मैं डायटोमिक में आऊं तो डायटोमिक बनाने के लिए मुझे इन दो एटम को रिपीट करते जाना होगा, इनको रिपीट करते जाऊंगी तो मेरा पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो अब ये क्या है, टू एटम बेसिस है, तो एक प्रिमिटिव सेल में टू एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें टू एटम्स आ रहे हैं। ये मोनो हो गया, ये हमारा डाया हो गया, ठीक है। तो मोनोटॉमिक में एक एटम बेसिस होगा और डायटोमिक में टू एटम बेसिस होगा। इसके प्रिमिटिव सेल में सिर्फ एक एटम आ रहा है बट इसके प्रिमिटिव सेल में टू एटम्स आ रहे हैं, एक प्रिमिटिव सेल में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है प्रिमिटिव सेल में लेटेस्ट पॉइंट एक आना चाहिए, एटम जितने मर्जी आ जाएं, ठीक है। तो इसमें इसके प्रिमिटिव सेल में टू एटम्स आ रहे हैं। अब हमने एक बात की थी ऑप्टिकल ब्रांच की और एक हमने की थी अकॉस्टिकल ब्रांच की। तो जब भी हम ऑप्टिकल या फिर अकॉस्टिकल ब्रांच की बात करते हैं तो जब भी एक एटम बेसिस होगा, एक एटम बेसिस से क्या मतलब है कि एक एटम है तो वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे वेव बनाएगा। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा ऐसे ही एटम सेम ही पड़ा है, ये हमारा मोनोटॉमिक है। अगर ये मोनोटॉमिक है तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही एटम है, वही वाइब्रेट करेगा, तो वो एक टाइप की ही बनाएगा वेव्स, तो उसको हम बोलते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच। तो अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए हमारे पास एक एटम होना चाहिए। बट जब हम ऑप्टिकल, इसमें हमने ऑप्टिकल की बात नहीं की है, क्योंकि जब भी हम ऑप्टिकल की बात करते हैं वहाँ पे एक अगर एटम ऐसे है, इसको स्मॉल m मान लिया मैंने, उसकी वजह से वेव बन रही है। एक हमारे पास ये क्या है, कैपिटल m की वजह से वेव बन रही है, क्योंकि हमने किया है कि जो अकॉस्टिकल वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ जिसमें प्रोपोगेशन हो रही है वेव के उस डायरेक्शन में होगी। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा और ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी होगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट भी होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी होगा। तो इसके लिए ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हमें मिनिमम टू एटम चाहिए, ताकि एक इस डायरेक्शन में है तो एक उसके ऑपोजिट जाए, ताकि मुझे दो वेव्स मिल सके मिनिमम, ठीक है। तो ऑप्टिकल के लिए हमारे पास मिनिमम टू एटम होने ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं कि हाँ हमें ऑप्टिकल ब्रांच मिल जाए। तो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हमें मिनिमम टू एटम चाहिए। तो जब हमने मोनोटॉमिक वाला किया था वहाँ पे हमने ये बना दिया था सिंपली, ये हमारा अकॉस्टिकल ब्रांच बन रही थी, बट इसमें ऑप्टिकल ब्रांच नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही एटम आ रहा है प्रिमिटिव सेल में। तो अब जब हम डायटोमिक में आएंगे, अब टू एटम्स आ गए, अब इसमें ऑप्टिकल ब्रांच भी आएगी और अकॉस्टिकल तो आनी ही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब अगर यहाँ पे ये क्या है, अब ये टू एटम की बात हो रही है, तो इस वाले को nth एटम मान लिया, इस वाले को भी nth एटम मान लिया, ऐसे ही यहाँ पे होगा
एम होगा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एन माइनस वन, इसको मान लेते हैं एन प्लस वन एटम। तो जैसे हमने सिमिलर मोनोटॉमिक वाला किया था, आपने सिमिलर वे से करना है। मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ रिजल्ट करवा रही हूँ। आपने सेम प्रोसीजर करना है, आपने एक एम एंथ के लिए निकालोगे, स्मॉल एम के लिए निकालोगे, फिर आप निकालोगे कैपिटल एम के लिए, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके नियर ये वाला एम आएगा, फिर ए वाला एम आएगा। अगर आप इसको देखोगे, इसके नियर एक कैपिटल एम आएगा, फिर इसके एक कैपिटल एम आएगा। तो ऐसे आपने दो इक्वेशंस बनेगी, पहले वहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही थी, अब इसमें दो इक्वेशन बनेंगे, एक स्मॉल एम के लिए, एक कैपिटल एम के लिए। तो आपने वो डेरिवेशन खुद से करनी है, वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है डेरिवेशन करने की। तो हमारा डायटोमिक के लिए फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा प्लस माइनस का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। सी क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हो जाएगा प्लस माइनस सी। अब ये वाला फैक्टर जैसे ये है वही यहाँ पे लिख देना है, बट इसका स्क्वायर करना है क्योंकि ऊपर हमने रूट डाला है, माइनस फोर साइन स्क्वायर के ए बाय टू डिवाइडेड बाय एम कैपिटल एम, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास टू ब्रांचेस आएंगे, एक ऑप्टिकल ब्रांच, एक क्या आएगी, अकॉस्टिकल ब्रांच। अब हम पहले करते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी वन बाय एम, वन बाय कैपिटल एम प्लस सी आ जाएगा। अब वन बाय एम प्लस वन बाई कैपिटल एम का स्क्वायर माइनस फोर साइन स्क्वायर के ए बाई टू। अब हम करते हैं इसमें कि लो वैल्यू, अब हम जैसे मोनोटॉमिक में कर रहे थे कि लो वैल्यू ऑफ के पे क्या आएगा और ज़्यादा वैल्यू ऑफ के पे क्या आएगा। तो फर्स्ट केस है कि अगर मैं के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो करा दूँ, मीन्स वेरी स्मॉल। अगर मैं वेरी स्मॉल की बात कर रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर k की वैल्यू स्मॉल है तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर मैं k की स्मॉल वैल्यू की बात कर रही हूँ तो उस पर हायर वेवलेंथ पे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं। तो चाहे आप स्मॉल k बोल लो या फिर लार्जर वेवलेंथ बोल लो, एक ही बात है। अब अगर k की वैल्यू स्मॉल है तो साइन ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सी वन बाय स्मॉल एम, वन बाय कैपिटल एम प्लस सी, ये टू से रूट कैंसिल, तो ये बन गया, ठीक है, ये टू टाइम्स हो जाएगा। इसको एक साइड पे लिख रही हूँ, अगर के को मैं अप्रोच करा रही हूँ जीरो, ये ऑप्टिकल के लिए है, तो ओमेगा प्लस, ओमेगा प्लस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, टू सी वन बाय एम, वन बाय कैपिटल एम। तो ये यहाँ से मैं स्क्वायर रूट, ये टू स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, ये के स्मॉल पे था, अगर मैं के की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ तो क्या होगा। अगर के की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो क्या बनेगा, k की वैल्यू लार्जर पे, अगर k की वैल्यू लार्जर होगी तो हम कहाँ जा सकते हैं मैक्सिमम, ज़ीरो से अगर मैं 90 तक जाऊँ तो 90 मैक्सिमम हो जाएगी। अब ऐसी वैल्यू लानी है हमें k की कि इसकी वैल्यू क्या बन जाए, 90 हो जाए, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि k की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारा साइन स्क्वायर के ए वन को अप्रोच कर जाएगा, साइन स्क्वायर के ए बाय टू वन को अप्रोच कर जाएगा। अगर ये वन को अप्रोच कर गया तो ये वाला वन बन गया, तो अब ओमेगा प्लस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी वन बाय एम प्लस वन बाय कैपिटल एम प्लस सी। अब ये क्या बनेगा, माइनस, ये वन हो गया, फोर बाय स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर खोले हम,
स्क्वेयर खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई एम का स्क्वेयर, 1 बाई ऐसे लिख लेते हैं इसका स्क्वेयर, फिर इसका स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 2 स्मॉल m कैपिटल m माइनस 4 बाई स्मॉल m कैपिटल m, यही बन जाएगा। तो इसको अगर हम देखें, ये इसको इरेज कर देती हूँ, तो ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, c 1 बाय m प्लस कैपिटल m प्लस c। अब यहाँ से अगर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 2 बाय स्मॉल m कैपिटल m बन जाएगा। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, बट अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय m प्लस 1 बाय कैपिटल m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस की बजाय, सॉरी प्लस की बजाय माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो ये 2 के साथ ये रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, c 1 बाय m प्लस 1 बाय कैपिटल m, ये बचा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कैपिटल m वाला कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास बना है ओमेगा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है इसका, 2 टाइम्स c बाय स्मॉल m। तो यहाँ से ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, रूट 2 c बाय m, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्या है, अगर मैं k को लार्ज रखूँ तो ओमेगा प्लस की वैल्यू क्या आ रही है, 2 c बाय m। तो k लार्जर पे हमारे पास ओमेगा प्लस की वैल्यू रूट 2 c बाय m आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे लार्जर वैल्यू ऑफ k पे जो फ्रिक्वेंसी है सिर्फ वो स्मॉलर मास पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ स्मॉलर मास पे डिपेंड कर रही है, वो लार्जर मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब हम करते हैं, ये था हमारा ऑप्टिकल ब्रांच, ठीक है। ऑप्टिकल ब्रांच में हमने यहाँ पे जब लार्जर k के लिए लिखा है, जब हमने लार्जर k के लिए लिखा है, तो लार्जर k के लिए हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर k a बाय 2 को 1 अप्रोच करा, पाई बाय इसको क्या कर दिया हमने, 1 अप्रोच करा दिया। 1 कहाँ पे होती है इसकी वैल्यू, 1 पाई बाय 2 पे होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप साइन k a की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर k a बाय 2 को हमने 1 लिखा है, स्क्वायर जाएगा 1 ही रह जाएगा। अब कौन सी वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 2 पे। तो यहाँ से k a की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन के साथ साइन कैंसिल, तो k a बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आई, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाय a, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि अब जब हम रूट, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट बनेगा, यहाँ पे रूट बनेगा, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा साथ में। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी हम स्क्वायर को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, तभी यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हमारी k की वैल्यूज क्या आ गई, प्लस माइनस पाई बाय a। अब इससे मैक्सिमम मैं नहीं जा सकती, इससे मैक्सिमम मैं नहीं जा सकती, क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे इधर को k रखते हैं, यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा की बिल्कुल लार्जर वैल्यू पे खड़े हैं, अगर लार्जर वैल्यू पे खड़े हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने जैसे मोनोटॉमिक के केस में क्या बनाया है, एक ब्रिलियन जोन बनाई थी, उसकी हमने बाउंड्रीज निकाली थी, तो बाउंड्री अब यही बन गई है मेरी, ठीक है, ये हमारी बाउंड्रीज बन गई है, क्योंकि इससे अगर मैं आगे जाऊंगी तो वो पॉसिबल नहीं है डायटॉमिक के लिए। तो ये हमारी एक बाउंड्री तो आ रही है, क्योंकि मैं इससे मैक्सिमम नहीं जा सकती, तो ये हमारी क्या आ गई है, बाउंड्री, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री आ गई है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की हमारी बाउंड्री आ गई है। तो हमारी बाउंड्री कहाँ आई है, प्लस माइनस पाई बाय ए पे, ठीक है। अब हम करते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच का केस,
अगर मैं अकोस्टिकल ब्रांच की बात करूंगी, ठीक है, तो अकोस्टिकल ब्रांच में क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा माइन ओमेगा स्क्वायर। अब पहले हमने प्लस लिया है, अब क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे, माइनस आ गया सी, ये बन गया। अब यहां पे भी हम सेम केस करेंगे, अगर मैं के को जीरो ले लूं, मींस वेरी स्मॉल, अगर मैं वेरी स्मॉल ले रही हूं तो साइन जीरो जीरो बन जाएगा, ये वाला फैक्टर बचेगा। अब इस वाले फैक्टर को भी, ये वाला फैक्टर तो जीरो है, ठीक है, ये वाला क्या है, जीरो है, अगर ये वाला जीरो है तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर सी वन बाय एम वन बाय कैपिटल एम, ये कट जाएगा तो माइनस सी वन बाय एम वन बाय कैपिटल एम, ये दोनों सेम है तो ये कट गए, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जीरो आ गई। इसको हम ओमेगा माइनस लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो ओमेगा माइनस है, अगर मैं के को स्मॉल कर रही हूँ तो ओमेगा माइनस की वैल्यू जीरो आ गई है, बट अगर आप ऑप्टिकल के केस में देखोगे, यहाँ पे अगर के की वैल्यू को स्मॉल कर रहे थे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है, बट यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर जीरो कर दूँ तो वो जीरो आ रहा है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, अकोस्टिकल के केस में क्या होगा, अगर के की वैल्यू को जीरो कर रहे हैं तो ओमेगा माइनस की वैल्यू जीरो आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम स्मॉल के लिए देख चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, लार्जर के लिए देखें, अगर लार्जर के लिए देखेंगे तो वही साइन स्क्वायर, हमारा साइन स्क्वायर के ए बाई टू वन को अप्रोच कर जाएगा, अगर वन को अप्रोच किया तो ये वाला क्या बन जाएगा, ओमेगा माइनस का स्क्वायर सी वन बाय एम वन बाय कैपिटल एम माइनस सी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फैक्टर सेम आया, माइनस यहाँ से फोर बाय ये बना, ठीक है। अब फिर इसको खोलेंगे, प्लस बन जाएगा, इसको खोला तो इसका स्क्वायर प्लस वन बाय एम का स्क्वायर माइनस टू, प्लस आएगा, प्लस है क्योंकि स्मॉल एम कैपिटल एम, माइनस ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस टू बचेगा, तो मैं सीधे ही अगर लिख दूं तो यहाँ पे माइनस बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा था, ओमेगा माइनस का स्क्वायर सी वन बाय एम वन बाय कैपिटल एम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला फैक्टर आ गया माइनस सी, ये इसको मैं लिख सकती हूँ कंप्लीट स्क्वायरिंग करके, वन बाय एम का स्क्वायर वन बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सी वन बाय स्मॉल एम वन बाय कैपिटल एम माइनस सी, ये कैंसिल होके ये बन गया। अब अगर यहाँ से देखोगे, स्मॉल एम वाला कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल वाला, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टू टाइम्स सी बाय कैपिटल एम आ जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा सी ओमेगा माइनस की वैल्यू रूट टू सी बाय कैपिटल एम आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैं के की वैल्यू लार्जर पे देखूँ, के की वैल्यू लार्जर पे देख रही हूँ तो ओमेगा माइनस हमारा टू सी बाय एम आ रहा है, ठीक है। अब जो इसकी लार्जर फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके लार्जर मास पे। अब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें कि अगर के की वैल्यू स्मॉल थी, इस पे इसकी कुछ वैल्यू आ रही है,
ये वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो गई। अगर मैं लार्जर के पे देखूँ, इसकी वैल्यू ये आ रही है, लार्जर के पे उसकी वैल्यू ये आ रही है 2c बाय स्मॉल m, बट यहाँ पे लार्जर के पे उसकी वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल और अगर मैं अकोस्टिकल ब्रांच की बात करूँ, इन दोनों के ना तो इनिशियल पॉइंट सेम है, क्योंकि k की वैल्यू ज़ीरो पे इसकी कुछ और वैल्यू है, इसकी कुछ और वैल्यू है। अगर मैं फाइनल पॉइंट की बात करूँ, लार्जर पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ बैंड गैप है, ठीक है, कुछ फ्रिक्वेंसी का गैप है, जिसको हम बोलेंगे बैंड गैप। अब इसकी हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि ये बनेगा कैसे। यहाँ पे के है, इधर को हम ओमेगा बनाते हैं। तो अब अगर k की वैल्यू स्मॉल है, k की वैल्यू अगर ज़ीरो है, ठीक है, k की वैल्यू ज़ीरो के लिए हमने केस किया है, अगर k की वैल्यू ज़ीरो देखें तो यहाँ पे ज़ीरो पड़ी है, मींस ये वाला पॉइंट आ रहा है, बट वही k की वैल्यू ज़ीरो पे ये कुछ फ्रिक्वेंसी आ रही है। यहाँ पे क्या है, ओमेगा प्लस है, ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी है, ये है रूट टू सी, बट यहाँ पे ओमेगा माइनस की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब हम लार्जर के पे चलते हैं, तो लार्जर के पे गए तो लार्जर के पे ओमेगा माइनस की वैल्यू इतनी है, बट इसके लिए इतनी है वैल्यू, तो इसको क्योंकि हमने ऑप्टिकल अकोस्टिकल ब्रांच बनाया था, वो कुछ ऐसा बन रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट है, फिर यहाँ पे कुछ साइन वेव की तरह बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पाई बाई ए पे देखूं, क्योंकि जो ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, इस पे हमने साइन स्क्वेयर के ए बाई टू को वन किया है, वन करने का मतलब क्या है कि के की वैल्यू इतनी होगी, तब ये वाली फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो के जब प्लस माइनस पाई बाई ए है, तो हम ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पाई बाई ए है, यहाँ पे माइनस पाई बाई ए है। अब देखोगे, अब ओमेगा प्लस क्या है, ओमेगा प्लस हमारा रूट टू सी बाय स्मॉल एम आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा माइनस क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब जब मैं ब्रिलियन जोन पे देख रही हूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और है, इसकी कुछ और है, बट इसमें इन दोनों में क्या आ गया है, एक बैंड गैप आ गया है, ये एक फ्रिक्वेंसी गैप आ गया है, क्योंकि इस गैप के क्रॉसपोंडिंग कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं आई है, इस गैप के क्रॉसपोंडिंग कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं आई है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी गैप। तो हमारे पास कौन सी वेव्स पॉसिबल होंगी, वो वेव्स पॉसिबल होंगी जिसकी फ्रिक्वेंसी या तो यहाँ पे लाई कर जाए या फिर यहाँ पे, अगर इसमें लाई कर गई तो वो अलाउड नहीं है, किसके लिए, डायटोमिक के लिए। तो डायटोमिक के केस में हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी गैप आ गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अकोस्टिकल ब्रांच, ये हमारी क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच और अकोस्टिकल ब्रांच, अब हमें पता कैसे चला कि ये अकोस्टिकल है, ये ऑप्टिकल, ये हमें फ्रिक्वेंसी से पता चला। जब मैं के की वैल्यू ज़ीरो कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो किसकी आ रही है, अकोस्टिकल ब्रांच की, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कुछ ऐसा बन गया है ग्राफ, तो ये ऑप्टिकल, ये अकोस्टिकल, और ये फ्रिक्वेंसी गैप है, जिसके बीच में अगर कोई फ्रिक्वेंसी आई तो वो अलाउड नहीं होगी, ठीक है। अब हम अगर देखें कि जो अगर ये फ्रिक्वेंसी गैप कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी गैप कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी गैप क्या है, दिस माइनस दिस, ये क्या है, 2c बाय m माइनस 2c बाय कैपिटल m। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, निकालूँ कैपिटल m बाय स्मॉल m को कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बन सकता है हमारे पास, यहाँ पे कुछ फैक्टर आ जाएगा, वो फैक्टर क्या आएगा, अब यहाँ पे रूट सी आ जाएगा माइनस
यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इस फैक्टर को छोड़ूं, ठीक है, मैंने क्या किया, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम को कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर आ जाएगा, वो देख लेना कि क्या फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी गैप है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, फ्रिक्वेंसी गैप इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अब इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं दोनों मासेस को सेम कर दूँ, एम को सेम कर दूँ, अगर ये दोनों, क्योंकि टू सी तो सेम ही है, अगर ये वाले दोनों सेम हो गए तो क्या होगा, ये वाले फैक्टर्स कट जाएंगे तो गैप हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी मासेस सेम हो जाएंगे तो ये वाला ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये है, ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसी का गैप नहीं आएगा, फ्रिक्वेंसी गैप डिसअपियर हो जाएगा जब दोनों मासेस सेम हो जाएंगे, बट जब मासेस सेम नहीं होंगे तो ये यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी गैप आएगा और उसकी वैल्यू क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब जो फ्रिक्वेंसी गैप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम पे, एम हमारा लार्जर मास है और स्मॉल एम क्या है, लोअर मास है। अगर हम लार्जर मास को इनक्रीज करते जाएंगे, लार्जर मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो गैप भी इंक्रीज होता जाएगा, ये वाला गैप इंक्रीज होता जाएगा। बट अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगी स्मॉल एम को, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कैपिटल एम को इंक्रीज करूं तो गैप भी इंक्रीज होगा, बट मैं क्या करूं अगर स्मॉल एम को इंक्रीज करूं, स्मॉल एम को इंक्रीज करूं तो गैप हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्मॉल एम को इंक्रीज करूंगी तो वो कैपिटल एम के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता जाएगा, तो हमारा गैप क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब मैं कैपिटल एम को इंक्रीज, लार्जर मास को और इंक्रीज कर देंगे तो गैप इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर मैं क्या करूँ स्मॉल मास को इंक्रीज करूँ तो ये गैप डिसअपियर हो जाएगा, और जब दोनों मासेस इक्वल हो जाएंगे तो ये गैप ज़ीरो हो जाएगा, कोई गैप नहीं होगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये था हमारा डायटोमिक का केस। अब हमने इसमें किया है कि एक एटम है तो एक अकॉस्टिकल ब्रांच है, अगर डायटोमिक है तो उसमें क्या है, एक अकॉस्टिकल है और एक ही ऑप्टिकल ब्रांच है। अब अगर मैं बोल दूं कि पांच एटम्स है, पांच एटम्स आ रहे हैं प्रिमिटिव सेल में, तो उसके लिए आप फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे, तो उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, जो बहुत ही काम आता है, इसके बेस पे एक गेट में भी क्वेश्चन आया था, अगर P क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव सेल है, ये एक प्रिमिटिव सेल में कितने एटम्स हैं, पी एटम्स का मतलब पी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, मींस एक प्रिमिटिव सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब तक हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला केस किया है, 1D वाला, अगर 2D में जाओगे फिर 3D में जाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे डायमेंशन, ठीक है, हम 1D में बात कर रहे हैं, 2D में जा फिर 3D में, यहाँ पे एक 1D का आएगा, फिर 2D का आएगा, फिर 3D का आएगा, फिर यहाँ पे टोटल कितनी ब्रांचेस होंगी, टोटल कितनी ब्रांचेस होंगी, फिर यहाँ पे अकॉस्टिकल ब्रांच कितनी है और फिर यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रांच कितनी है। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल ब्रांचेस, जितनी डायमेंशन है उसको पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जितनी डायमेंशन है उसको पी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पी क्या है, हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, उतनी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएंगी 2P, इसमें क्या हो जाएंगी 3P, इस डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो
नंबर ऑफ एटम से, वो हो जाएंगे टोटल ब्रांचेस। अब उसमें से हमें अकॉस्टिकल ब्रांचेस कितनी मिलेंगी, जितना ये डायमेंशन होगी उतनी ही अकॉस्टिकल ब्रांचेस होंगी, इसमें एक होगी, इसमें दो होगी, इसमें तीन होगी, जितनी डायमेंशंस हैं उतनी ही अकॉस्टिकल ब्रांचेस होंगी, ठीक है। अब जैसे हमने मोनोटॉमिक का केस किया है, मोनोटॉमिक में एक ही डायमेंशन है तो एक अकॉस्टिकल ब्रांच आ रही है, बट डायाटॉमिक का हमने 1D ही केस किया है तो उसमें भी एक ही अकॉस्टिकल ब्रांच आ रही है। अब देखो, अब हमारे पास कितनी बची आएंगी ऑप्टिकल ब्रांचेस, 1P टोटल है, 1P टोटल है, उसमें से एक माइनस करेंगे तो वो ऑप्टिकल ब्रांच बच जाएगी। यहाँ से 2P टोटल है, उसमें से दो अगर ऑप्टिकल है, दो अकॉस्टिकल हैं तो बाकी ऑप्टिकल हो जाएंगी। इसमें से कितनी बच जाएंगी, 3P-3। तो ये टेबल बहुत काम आता है कि कितनी नंबर ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांचेस हैं, कितनी नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस हैं और कितनी टोटल ब्रांचेस हैं। आपको पता क्या होना चाहिए कि किस डायमेंशन में, अगर डायमेंशंस नहीं गिवन तो आप क्या मानोगे, 3D में है वो, ठीक है। अगर हमें क्या है, पी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में। अगर ये इस पे गेट पे क्वेश्चन भी आया था, ये आप गेट के अभी गेट 2020 का पेपर खोल के देखना, वहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इस पे आया हुआ था, ठीक है, कि टोटल कितनी नंबर ऑफ अकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल ब्रांचेस थी, एटम्स गिवन थे, ठीक है, प्रिमिटिव सेल में। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कोई भी ऑप्टिकल ब्रांच कितनी है और अकॉस्टिकल ब्रांचेस कितनी हैं।